सबसे बड़ी कर पा खुदाया कमाली है। रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाली है। नबियों से वो सबसे बड़ी कर पा खुदाया कमाली है। रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाली है। New Anointing by Prophet Bajinder Singh। कपड़ा घुमाते ही लोगों को परमेश्वर के सामर्थ्य ने छू लिया। ऐसे कौन है? सुरामी 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 ऐसे ये लाइट पर हाथ लगाया करण सही में लगे। ऐसा काम करते क्या आप कोई? हाँ बिजली बिजली में बिजली परमेश्वर का आता हो रहा है। कहता है कि आप लोग बहुत बहुत लोगों का भला किया लेकिन आपका आपका जब नंबर आता है कोई भला नहीं करता आपका। आप तो सही है लोग धोखा देके चले जाते हैं आपको। और एक दिन बिल्कुल पूरा धोखा। अभी थोड़े दिन पहले आपने किसी का 2000 रुपए देकर भी मदद किया लेकिन बाद में वो लोग आपको मिलता भी नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं? मैंने उसका 2000 पूरा देखा उसकी जेब में। हालेलुया। आपने प्रार्थना किया किसी के सिर पे हाथ रख के दुआ किया और क्या हो गया? दुष्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। ऐसा 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 किसी के लिए किया था? कोई नोट है आपके पास 500 का 100 का कोई नोट? देखो चेक करो कोई 44 या 287 ऐसे कुछ मिलता है? कुछ मिलता है किसी नोट में? 287 वाओ एक्यूरेट प्रोफेसी 287 आज रात तेरे घर से जादू टोना टूट गया है। कहता जिन्हें तेरे काम को बांधा था आज से खुल गया तुम यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रोफेट जी के बोलते ही प्रभु ने किया दुष्ट आत्मा से आजाद। प्रभु के दास के बोलते ही लोगों में से निकला दुष्ट आत्माओं का झुंड। प्रॉफेट जी के बोलते ही प्रभु ने किया दुष्ट आत्मा से आजाद। ये बहन बता रही है इनके पर्स में एक पैसा नहीं था, सिर्फ कॉइन थे। अभी चेक किया 500 रुपए का मिराकल बनी हुआ। वाव अमेजिंग मिराकल। मैं सिर्फ कॉइन था मेरे पास क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बाइक में आई थी तो मैं बस ऐसे चेक कर ली तो वो मेरे पास 500 था। अभी आपने प्रोफेसी किया, आप अपनी जेब को चेक करो, पर्स चेक करो, विश्वास करो परमेश्वर मिराकल करने जा रहा है। यह भाई बता रहा है कि मेरे पास 500 का नोट था, अभी 2 हो चुके हैं। तूने लोन लिया हुआ था? 7.5 लाख था। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तूने लोन लिया था, ये मिराकल मनी का सबूत है, तेरा लोन उतरने वाला है। मिराकल मनी को होता देख झूम पड़ा ये आदमी। और ये बहन बता रही है, ये बहन बता रही है कि मेरे पास 500 का नोट नहीं था, अब 500 का नोट आ चुका है। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी जेब में सिर्फ 2 नोट थे 500 के, अभी इन्होंने विश्वास से चेक किया इनके 500 रुपए बन चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। मिराकल मनी होते ही लोग झूम पड़े, नाचने कूदने लगे और प्रभु की महिमा करने लगे। और ये टोटली बेड पर थे और इनको व्हीलचेयर पर यहाँ लेकर आए। अभी अपने प्रोफेसी किया कि जिनको प्रॉब्लम्स है जो व्हीलचेयर पे वो खड़े होने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने रिसीव किया आज ये चल फिर पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलो हालेलुया। अमेजिंग। भविष्यवाणी को सुनकर 5 साल के बाद पहली बार व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगा।
तोड़ने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजा तोड़ के ना, तोड़ के ना, तोड़ के तोड़ के अमेजिंग मिराकल। ही स्टार्टेड रनिंग आफ्टर 5 इयर्स। 5 इयर्स है, 20 इयर्स से नहीं उठा नहीं चला, आज आपके सामने दौड़ रहे चल रहे हैं। कौन है ये? बेटे की गवाही दे रहे हैं, ये बता रहे कि बचपन से ही टोटली गूंगा और टोटली बहरा था, और अभी जब आपने प्रोफेसी किया, जो गूंगे हैं बोल रहे हैं और जो बहरे हैं वो सुनने के लिए जा रहे हैं, इन्हें चर्च किया, ये सुन लो, बहुत बड़ा यीशु मसीह के नाम में। इसको जन्म से भोजरा ने भैंबा जन्म से गूंगा बहरा था, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ बोल सकता है, अभी अभी बोलने लगा है। वाव, अमेजिंग मिराकल, बचपन का गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। किसने चंगा किया, किसने किया? यीशु मसीह, यीशु ने। गूंगी है और बहरी है, ये एक क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है, पर मैं विश्वास से इसको गूंगी और बहरी जानता है, इसीलिए लेकर आया, और आपका जो भविष्यवाणी किया है इसीलिए रूमाल को इसके मुंह में डाला और ये कान में भी डाला, इसीलिए वो अभी मम्मी पापा 1 2 कहती है अभी। Amazing miracle of God. Deaf and dumb since birth began to speak and listen after receiving the prophecy. 1 2 3 2 2 2 2 2 अमेजिंग वर्क ऑफ लॉर्ड। प्रोफेट जी के प्रोफेसी करते ही बचपन का गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। ये बता रहे इनके पिछले 2 साल से कैंसर की बहुत मोटी गांठ थी, जो कि डॉक्टर से इनको ऑपरेशन बोला था, लेकिन जब आपने अभी प्रोफेसी किया कि आपकी गांठ उड़ने के लिए जा रही है, इन्होंने रिसीव किया कि कैंसर की गांठ दूर गई है। वाव, अमेजिंग मिराकल, ट्यूमर इज गॉन। डॉक्टर कह रहा था ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अभी किसने ऑपरेशन कर दिया तेरा?
यीशु ने हालेलुया मेरा परमेश्वर ये अच्छा किया। यहाँ पर कोई गांठ है अब आप गांठ नहीं है होता पेन भी नहीं होता कुछ अभी कोई भी नहीं है बोल रही गांठ भी नहीं है कोई दर्द भी नहीं है कौन है ये प्रॉपर्टी है भाई बता रहा है कि बचपन से ये बिल्कुल गूंगा था और अभी इनका अनॉइंटिंग ऑयल लगाया गया और ये बिल्कुल साफ बोल पा रहे हैं। पापा पापा माँ माँ मम्मी अंकल अंकल वाव अमेजिंग वर्क ऑफ लॉर्ड। प्रोफेट जी के प्रोफेसी करते ही बचपन का गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। अरे बोल रहा है कि नहीं बंद बंद दिन पेट्रोल फ्रंट लाइन पापा 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 तारीफ करो छोड़ो पिछले 8 साल से इन विसाखियों से चलता था कि डॉक्टर्स ने इनको घुटनों में ट्यूमर बताया था और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि आप विसाखियों से ही चलेंगे लेकिन अभी आपने प्रोफेसी किया कि जो लाचार है बीमार है प्रभु उन्हें चंगा करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने अभी चेक किया अभी ये बिना विसाखियों के चल पा रहे यीशु मसीह के नाम में प्रभु के चमत्कार को देखकर रो पड़ा ये भाई। ऐसा ट्यूमर हो गया था डॉक्टर ने भी बोल दिया वो एक्सरे है देख लीजिए सर कैसा है मेरा एक्सरे देख लो इसमें ट्यूमर बताया ट्यूमर और ये बोला कि ऑपरेशन भी कर देंगे तो भी बैसाखी से चलना पड़ेगा है इसमें लिखा हुआ है कि बैसाखियां सारी जिंदगी पकड़ कर चलना पड़ेगा उसके बिना नहीं चल सकते और ये नहीं चल पाता था आज अभी यीशु मसीह ने छू लिया मेरे बहुत सही कपड़ा घुमाते ही आज बोलो कौन है ये रो रो के गवाही दे रहा है आंसू आ रहे हैं बोल रहा कि आज प्रभु ने चमत्कार कर दिया है। हाँ सर अमेजिंग ये भाई पहली बार बैसाखियां छोड़कर चल रहा है बैसाखियां छूट गई है बोलो हालेलुया। पापा ये बहन बता रही है पहली बार आज मीटिंग में आए हैं इन्होंने कभी परमेश्वर का नाम नहीं सुना फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च हालेलुया लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और आज ये बिल्कुल हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में अमेजिंग वर्क ऑफ लॉर्ड। प्रोफेट जी के प्रोफेसी करते ही गूंगा बहरा बोलने और सुनने लगा। पापा 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 नबियों से वो सबसे बढ़कर पाक खुदाया कमाली है रू से बढ़ता बातें करता उसी का जहां बाइबल विच लिखिया मरकुस दे 12:41 विच लिखिया के एक जगह यीशु मसीह संडे उत्थे गया ते उत्थे लिखिया के ओ ए देखदा सी कहंदा कि अज मैं चेक करांगा के लोग किवें मंदिर विच जाके ओदे भंडार विच किवें बीज बोंदे ने किवें पैसे डालदे ने किवें दान डालदे ने एदा मतलब ए हैगा कि तुहाडा दान परमेश्वर चेक करदा है मतलब कि तुसी की चर्च विच जाके किस मन नाल किस दिल नाल तुसी जाके उत्थे बोंदे हो मेरे कहन दा मकसद हैगा कि अगर आज तुसी बरकत पाना चाहते हो तो परमेश्वर दा आत्मा ए भी चेक करदा है कि तुसी किस प्रकार बीज बोंदे हो मतलब किस प्रकार बीज लैके आंदे हो अगर जो तुसी बड़ी प्रार्थना कर रहे हो बहुत पवित्र आत्मा दे अगे फास्टिंग कर रहे हो लेकिन तुहानू कोई फल नहीं मिल रहा लेकिन पवित्र आत्मा कहंदा के दोगे ते दिया जावेगा मतलब कि अगर आज तुसी एक मन नू अपने खोलोगे ते पवित्र आत्मा दे
वचन दे अनुसार उहदे भंडार विच जाके संडे नूं बीज बोओगे, लेकिन परमेश्वर दा आत्मा देखदा ते कहिंदा है, कहिंदा जिहो जिहा बोओगे उहो जिहा कट्टोगे। इस विधवा ने की कीता, इहने अपनी दो दमड़ी पूरी जीविका दी कमाई उत्थे पाती, लेकिन उह कहिंदा यीशु मसीह आया ते उहने चैक कीता। लोकी हैरान हो गए, लोकी कहिंदे कि यीशु मसीह तां इत्थे सीगा ही नहीं, इहनूं किवें पता कि इहने विधवा औरत ने दो दमड़ी डाली। अज बहुत सारे धनवानां ने उत्थे अपना बीज बोया, अपना दान बोया, लेकिन वह कहता कि आज मैंने बहुत सारे धनवानों के दान को फेल कर दिया। कहता कि आज तो मैंने इस गरीब औरत के दान को, इसके बोने के स्टाइल को, कहता कि मैं पास किया। आज कहता कि मैं आज ए औरत पास हुई आ। मेरे कहने का मकसद है कि परमेश्वर देखता है तुम्हें, जब तुम चर्च में जाते हो तुम वड्डी वड्डी डिमांड करते हो कि परमेश्वर तू मैनू यह दे, मैनू यह दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता कि तुम्हारे बीज बोने का स्टाइल की है। मैं कह रहा तुम्हें कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा कि अब्राहम तू अपना बच्चा लेके आ जा कि मैं तूनू अज दान कर दे, उसी वेले अब्राहम ने अपनी पत्नी ने पूछा। अज चर्च में लोग जाते हैं जद उसी वेले जो पवित्र आत्मा उन्होंने नाल गल करता है कि अज क्रिसमिस आ गया, अज कोई चर्च की कोई ब्लैसिंग वास्ते या चर्च बनाने वास्ते कोई भवन बनाने वास्ते कोई भी अज कोई बीज बोना, तो उसी लोग की करते हैं अपनी पत्नियों अपने परिवार नाल सलाह करते हैं। लेकिन अब्राहम ने सलाह नहीं की, अब्राहम ने की किया, अब्राहम ने एक फैसला किया कि नहीं परमेश्वर जिहो जिहा तू मतलब मेरे नाल गल कर रहा है मैं उस गल फॉलो करदा, तो तू जो कह रहा है मैं कर रहा। वो अपने बीज को लैके अपने पुत्र को लैके उस वेदी पर पहुँच गया, मतलब कि परमेश्वर अज तुहाडे तो दान नहीं बलिदान चाहता है, मतलब कि मन दे नाल खुश होकर परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दान करता, मतलब कि उन्हें दान किया, लेकिन यीशु मसीह ने बलिदान दिता। तुसी अपने आप को बलिदान करो, यीशु मसीह वास्ते समर्पण करो कि अज तुसी अगर कोई बड़ी बरकत लेना चाहते हो तो परमेश्वर तुहानू जरूर बरकत देगा, लेकिन पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार वह कहता है कि अगर तुसी अज धनवान होना चाहते हो, अगर तुसी अज अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो, कहता कि जेड़े मेरे भवन में बीज लैके आते हैं, कहना जेड़े मैनू दान देंगे ने मेरे सेवकाई वास्ते, कहता कि मैं उन्होंने निराश नहीं करता। मैं तुहानू दस रहा कि इसहाक ने जिस वर्ष में बोया उसी वर्ष काट लिया, मतलब कि परमेश्वर वायदा करता, कहता मैं आकाश के रोके खोलांगा, अपरम पाराशीष की वर्षा करांगा, नाश करने वाले को घुड़कांगा। परमेश्वर का आत्मा कहता कि बीज बोण के बाद इंसान की तरक्की होती है, दान देने के बाद परमेश्वर साड़ी प्रमोशन करता है, दान देने के बाद ही परमेश्वर तुहाडे बच्चों को गोरमेंट जॉब देगा, तुहाडे हर एक बिजनेस को फैलाएगा, क्योंकि वह वायदा है। कहता कि जिहो जिहा बोओगे उहो जिहा कट्टोगे, कहता दोगे तो दिता जाएगा। मेरे कहने का मकसद है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जे तुसी धन की आशीष लेना चाहते हो कि तुहानू ए परमेश्वर का हुक्म का पालन करना पैना है, ए बाद ही पवित्र आत्मा तुहानू अज बरकत देगा। मेरे कहने का मकसद है कि अगर अज तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहानू आशीष देवे, तो अज अपने बीज नू अपने हाथ विच फड़ो ते कमिटमेंट करो, जिवें याकूब ने कमिटमेंट की कि जे तू मैनू रोटी कपड़ा मकान ते मैनू सही सलामत लैके आवेगा ते मैं एहो जा बीज बोवांगा, जे सारे वर्ष तेरे भवन विच ते तेरी वेदी बनवावांगा ते मैं एहो जा बीज बोवांगा, मैं तैनू प्रसन्न करांगा। ते उन्हें वो कम किया ते परमेश्वर ने उन्हें संभाल के रखिया। जे अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे बच्चे ते तुहाडे परिवार ते तुहाडी मिनिस्ट्रियां तुसी अज ब्लैसिंग विच बदल जाओ, बीज बोण दे फैसले दे बाद ही तुहानू परमेश्वर बहुत सारी बरकत देण जा रहे हैं। ते अगर जे तुसी चाहते हो कि परमेश्वर तुहानू बहुत सारी बरकत देवे, तो अज तुसी अपना बीज परमेश्वर नू प्रसन्न करन वास्ते उहदे कम्मां विच लाओ। मेरे कहने का मकसद आ कि जिवें साडा चर्च जलंधर ताजपुर विच बन रहा है ते चंडीगढ़ विच बन रहा है, ते तुसी उत्थे आके बीज बो सकते हो, परमेश्वर तुहानू बहुत ब्लैस करेगा। ते इह साडा अकाउंट नंबर हैगा थले टीवी स्क्रीन ते तुसी देख रहे हो, ते परमेश्वर का आत्मा कहिंदा कि जिहड़े बीज बोणगे उह जरूर फलणगे, ते मेरा विश्वास आ कि जिहड़े इस मिनिस्ट्री नू प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच बीज बो रहे ने इस मिनिस्ट्री विच, ते उह बहुत फल रहे ने। ते मेरा आशीर्वाद आ, ते मैं उन्हां वास्ते प्रार्थना करदा कि वह बहुत सारे आशीष पाण, मैं उन्हां वास्ते प्रार्थना कर रहा। आइए आपां अख बंद करिए, जिन्हें टीवी स्क्रीन ते हाथ रख रहे ने अज वो अपनी लाइफ विच मिराइकल मनी दी आशीष देख रहे ने। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा कि अज इन्हां दे बिजनेस बढ़ जाण यीशु दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा पवित्र आत्मा जी ऐसी वेले इन्हां दी तरक्कियां स्टार्ट हो जाण, जॉब लग जाण, अज गोरमेंट जॉब दी आशीष मिल जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा ऐसी वेले इन्हां दा पैसा किसी ने मारिया ऐसी वेले इसी वेले पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करदा कि वह वापिस आ जाए यीशु मसीह दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा कि जी किसी ने पैसा लाया है परमेश्वर, लेकिन वह फल नहीं रहा, ऐसी वेले इन्हां दा बिजनेस फलन लग जाए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करदा धन दी आशीष इन्हां दे उत्ते आ जाए, मैं अनॉइंटिंग नूं छड्दा यीशु मसीह दे नाम विच, धन दी आशीष प्राप्त करन जिन्हें मैंने देख रहे हैं आज तो। बरकत इन्हों के बच्चों उत्ते, इन्हों के परिवारों उत्ते, इन्हों के बिजनेस उत्ते, इन्हों के घर उत्ते बरकत 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 यीशु मसीह के नाम विच आ जाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू बरकत दिती है, पवित्र आत्मा तुहानू ब्लैस कर, आमीन। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं
तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 01725100777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें।